अब राजा डोरा को अपनी रानी बना लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये महिला वही बूढ़ी औरत है, और ना डोरा को ये पता होता है कि आखिर वो अचानक जवान कैसे हो गई। डोरा अपनी शादी में अपनी बूढ़ी बहन इम्मा को भी बुलाती है। वो सैनिकों के द्वारा इम्मा के लिए काफी महंगे कपड़े भिजवाती है। अब महल में इम्मा अपनी जवान बहन को देखकर मानो पागल हो जाती है। वो डोरा से पूछती है कि तुम अचानक जवान कैसे हो गई, तो इम्मा को जवाब देते हुए डोरा उसे मजाक में कहती है कि मैंने अपनी पुरानी वह बूढ़ी खाल निकाल दी है। लेकिन डोरा के मजाक को इम्मा सच मान लेती है, इसलिए ये एक आदमी के पास जाकर उसे कहती है कि अगर तुम मेरी बूढ़ी खाल को निकाल दोगे तो मैं अपने महंगे कपड़े तुम्हें दे दूंगी। अब ये आदमी महंगे कपड़ों के लालच में इम्मा को जंगल में ले जाकर उसकी सारी बूढ़ी खाल निकाल देता है। अब खाल के निकलने से इम्मा का काफी खून बह जाता है, जिस कारण इम्मा की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डोरा के ऊपर से उस चुड़ैल का जादू भी कम होने लगता है, जिससे डोरा धीरे धीरे वापस बूढ़ी होने लग जाती है। अब डोरा अपने आप को दोबारा बूढ़ा होते देख राजा को अकेले महल में छोड़कर वहां से भागने लगती है। महल से बाहर की और भागते भागते डोरा पूरी तरह बूढ़ी औरत में बदल जाती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।